नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, आप खुशी से पागल हो जाएंगे, ऐसी न्यूज़ है कि क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ CBSE क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं, यानी जो एग्ज़ाम उनके बचे हैं वो एग्ज़ाम भी अब कैंसिल हो गए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमारे तो पूरे एग्ज़ाम हो ही चुके थे, अब क्या कैंसिल होना, लेकिन कुछ जगह पर एग्ज़ाम बचे थे वो भी कैंसिल हो गए। लेकिन आपको एक बात के लिए तो ज़रूर इंतजार होगा कि आपका रिजल्ट कैसे आएगा। तो ये सोचिए कि जब सारी एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं, इसका मतलब सभी बच्चे अब पास कहलाएंगे, यानी कि एग्ज़ाम जिनने दिया है, चाहे वो एक पेपर दिया है, दो दिया है, कितने भी पेपर दिए हैं, अब सभी पेपर कैंसिल हो चुके हैं, मतलब जो पेपर बचे हैं वो कैंसिल हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिज़ल्ट आएगा वो अब 100% ही आएगा, क्योंकि रिज़ल्ट जो बनेगा वो इंटरनल असेसमेंट के थ्रू बनेगा। और जैसे कि आपको मालूम है कि इंटरनल एग्ज़ाम जो होते हैं, स्कूल बेस्ड एग्ज़ाम जो होते हैं, उसमें लगभग सभी बच्चे पास हो ही जाते हैं, इस कारण से 10th का जो रिज़ल्ट है वो 100% आएगा। अब बात करते हैं 12th के रिज़ल्ट की, तो 12th का रिज़ल्ट भी 100% है, क्योंकि उनका एग्ज़ाम भी कैंसिल हो चुका है, उनको भी अब बचे हुए पेपर नहीं देना है। लेकिन उनके पास एक ऑप्शन ज़रूर है कि अगर वो चाहे तो बचा हुआ पेपर या बचे हुए पेपर वो दे सकता है, जब भी स्थिति सही होगी, भारत में कोरोना गायब होगा उसके बाद ही वो एग्ज़ाम दे पाएंगे। क्लास टेंथ वाले से मैं कहना चाहता हूँ कि उनके स्कूल्स में आप आज के बाद या कुछ स्कूल में तो एडमिशन प्रोसेस चालू भी हो गई है, तो जल्दी से जाइए अपने स्कूल में अपना एडमिशन करवाइए, मतलब अपने स्कूल में एडमिशन मतलब नई क्लास में अपना एडमिशन करवाइए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ का जो रिज़ल्ट है वो 15 जुलाई तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।